अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का मेकअप लुक है वेडिंग गेस्ट मेकअप, क्योंकि मैं एक एक्चुअल वेडिंग अटेंड करने जा रही थी और वलीमे का फंक्शन था कि मैं उसके हिसाब से तैयार हुई। मुझे बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप भी नहीं करना था क्योंकि मेरा ड्रेस थोड़ा हैवी था। सो मेकअप को हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे लेंस मैंने पहन लिए हुए थे और मेरी स्किन है ड्राई और जो हैवी कवरेज वाली फाउंडेशन होती है मोस्टली ड्राइंग ही होती है, तो अच्छे से मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया पेट्रोलियम जेली से अपने फेस को। एंड यहाँ पे मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का जो है वो प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। स्किन प्रेप अच्छा होगा आपका तो आपकी फाउंडेशन लगी जो है वो अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैंने प्राइमर लगा के 5 मिनट के लिए अपने फेस को छोड़ देना है वैसे ही। और मैंने यहाँ पे लिप बम लगा रही हूँ ताकि मेरे लिप्स भी मॉइस्चराइज़ हो जाए, ठीक है। इसके बाद आई विल मूव टूवर्ड्स फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं 2 फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, नार्स की एंड मुसर्रत निस्पा की। दोनों को मैंने मिक्स करके जो है वो लगा लिया। और जो मैं लगाऊंगी वो मैं लगाऊंगी फ्लैट फाउंडेशन ब्रश से। और आपने फेस पे इस तरह अप्लाई करना है जिस तरह कोई आप पेंट कर रहे हो, ना आप किसी चीज़ को पेंट कर रहे हो तो ना उस तरह आपने पूरे फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई कर लेना है। ये जो फाउंडेशन होगी बेसिकली अगर आप सैलून की तरह फाउंडेशन चाहते हैं तो वो आप इस तरह लगाएं, वरना इट्स योर टोटली योर चॉइस कि अगर आपको ज़्यादा हैवी फाउंडेशन नहीं पसंद तो फिर आप अकॉर्डिंगली उसको कम कर लें क्वान्टिटी को। आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी अच्छी स्किन प्रेप की थी कि ग्लाइड हो रही थी पूरी फाउंडेशन मेरे फेस के ऊपर बहुत ईजीली। इसको पूरे फेस पे लगा लूँगी मैं इसी फ्लैट फाउंडेशन ब्रश के साथ एंड देन हमने नेक पे भी लगानी है, ठीक है। जिससे आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट मेरे पूरे फेस पे जो है वो लग चुकी हुई है। एंड देन आई विल अप्लाई सम फाउंडेशन ऑन माय नेक एज वेल। उसके बाद ब्लेंड तो इसको मैं सिंपल एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेके उससे जो है अपने फेस को अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी फेस पर। दोनों फाउंडेशंस की कवरेज जो है वो अच्छी है, तो ऑलमोस्ट मेरे फेस पे जो कोई मार्क जो है कुछ इस तरह की चीज़ थी वो हाइड हो गई है, लेकिन स्टिल हम कंसीलर यूज़ करेंगे। जब हम एक दफ़ा फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से उसके बाद आई विल मूव टूवर्ड्स द कंसीलर। और कंसीलर के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ टार्ट के कंसीलर। एक थोड़ा सा डार्क शेड है और एक थोड़ा सा लाइट, तो दोनों को मिक्स करके मैं लगा लेती हूँ, ठीक है। पहले मैंने एक लगा लिया एंड देन सेकंड मैं अप्लाई करूँगी उसको अंडरआई के नीचे अच्छे से लगा लूँगी। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है अगर स्पेशली आपके डार्क सर्कल्स हैं, आई पैक्स हैं, आपके फेस पे कोई एक्नी मार्क्स हैं, तो आपके लिए बेस्ट है कंसीलर। ये बहुत अच्छे से सब चीज़ों को जो है वो कंसील कर देता है। फेस पे पहले मैंने इसको एक दफ़ा लगा लिया, उसके बाद आई विल यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड इट। आई एम अगेन सेइंग कि इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कितनी फाउंडेशन पसंद है। मैं तो वेडिंग क्लैम के लिए ना प्रॉपर फाउंडेशन लगाती हूँ, क्योंकि एक तो जो लाइटिंग होती है हॉल में और जो पिक्चर्स बनती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं आपकी स्पेस में, ठीक है। सो मैं कंसीलर को अंडर आई के नीचे ब्लेंड कर रही हूँ सेम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। और आपने कोशिश करनी है कि आप ब्लेंड ना टैप टैप मोशन में करें, ठीक है। आपने स्वाइप नहीं करना ब्यूटी ब्लेंडर को फेस पर, आपने टैपिंग मोशन में जो है वो ब्लेंड करनी है फाउंडेशन। देन आई एम मूविंग टूवर्ड्स पाउडर ब्लश। ब्लश मैं पहले लगा लूँगी एंड देन आई मूव टू पाउडर, क्योंकि फिर स्मूथ लुक आती है ब्लश की लगी हुई। ब्लश के लिए मैंने बी क्यूट का ब्लश यूज़ किया है और इसका बहुत ज़्यादा पिगमेंट है, तो आपने पहले डायरेक्ट उसको फेस पे नहीं ब्रश से लगा लेना, आपने पहले हाथ पे जो है उसको रिमूव करना है एक्सेस को। एंड देन आप देख सकते हैं कि फिर भी एक ही दफ़ा में दोनों चिक्स पे और हर जगह ब्लश मेरा ईजीली लग गया है। इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है बी क्यूट के ब्लश का। सो ब्लश लगा लेंगे, उसके बाद हम पाउडर से सेट करेंगे। एंड दिस इज़ द मेन गेम ऑफ योर होल मेकअप। देखें पाउडर से जितने अच्छी आपकी फाउंडेशन सेट होगी ना उतना आपकी पक्की बेस रहेगी, मतलब आपकी बेस हिलेगी नहीं आपके फेस से, और ये मेन चीज़ है आपके फुल बेस की। पाउडर के लिए मैं यूजली इसलिए शेड नहीं बताती क्योंकि मैंने 2 पाउडर मिक्स किए हैं। एक लेजोना का शेड था, बी क्यूट का शेड था, उनको मिक्स करके जो है वो मैं लगाती हूँ। सो कि एक स्पेसिफिक शेड नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ, लेकिन आप अपनी शेड के अकॉर्डिंगली एक अच्छा सा पाउडर लें। उससे मैंने अपना फुल फेस सेट किया, नॉट ओनली अंडर आई लेकिन फुल फेस, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आईब्रोज में के लिए कुछ खास नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एंड ऑफ आईब्रोज को जो है वो फिल कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे आईब्रो पहले ही थोड़े से डार्क है, मैं बहुत हैवी लुक नहीं चाहती आईब्रोज की। आई वांट टू कीप देम नेचुरल। देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ लग रहे हैं, कोई इतने हैवी आईब्रोज नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आई शेडो लगा रही हूँ। पहले मैंने बिल्कुल लाइट ब्राउन आई शेडो एज अ ट्रांजिशन शेड लेके दोनों आई लिड पर लगा लिया अच्छे से। उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक
थोड़ा सा डार्क ब्राउन आई शेडो, ये बस मैंने यही आई शेडो लगाना है। इसके अलावा मैंने कुछ ग्लिटर शिमर ऐड नहीं करना, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया मेरा ड्रेस हैवी है, तो आई वांटेड टू कीप माय मेकअप नेचुरल। वो अलग बात है कि मुझे फिर भी थोड़ा हैवी लग रहा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। सो चॉकलेट ब्राउन आई शेडो मैंने अपनी दोनों आईलिड पर लगा लिया। उसके बाद हम लगाएंगे हाफ विंग्ड आई लाइनर। आई लाइनर के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ एक्वा का जेल लाइनर, जो कि बहुत ड्राई हो जाता है अगर आप उसको रख दो तो। सो मैं आपको एक टिप यहाँ पे दे दूँ कि आपने किसी भी जेल लाइनर को स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है, आपने उसमें पेट्रोलियम जेली बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करनी है। आपने पानी से नहीं उसको मिक्स करना, आपने पेट्रोलियम जेली ऐड करनी है, तो वो इतना स्मूथ आपका आई लाइनर बन जाएगा कि वो ईजीली अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आई लव लैशेस एक पेज है, उससे ब्रशेज ऑर्डर किए थे, आई के ब्रशेज ऑर्डर किए थे जो कि बहुत अच्छे हैं, और ये उसी किट में से जो है वो आई लाइनर ब्रश है। सो मैंने हाफ विंग आई लाइनर लगाना है दोनों आईज पे। उसके बाद हम लगाएंगे मस्कारा। आई लाइनर मैं आगे तक नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मैं हाफ विंग लगाऊंगी। उसके बाद आई मेकअप मैंने यहीं पे छोड़ दिया, मैंने कहा पहले थोड़ा हाईलाइटर लगा लेते हैं। इसके लिए एक मैंने पिंक सा हाईलाइटर लिया क्रिस्टीन का, और एक मैंने गोल्ड कलर का हाईलाइटर लिया वेट एंड वाइल्ड का, क्योंकि मुझे दोनों शेड्स का टच चाहिए था। सो हाईलाइटर लगा लूँगी मैं चीक्स पे, नोज़ पे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं ना इसको फोरहेड पे भी लगाती हूँ, क्योंकि वही जो बात हो गई कि बहुत अच्छी लुक आती है लाइटिंग के अंदर। उसके बाद मैं आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ आईलैश कर्लर के साथ। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। मस्कारा के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ रिमेल का मस्कारा, जो कि काफ़ी अच्छा रिमेल के सेंस के मेबेलिन के इन ब्रांड्स के मस्कारा सब भी बहुत अच्छे होते हैं। सो ये रिमेल का मस्कारा है। और जो लैशेस मैंने अप्लाई करनी है वो मैंने अपनी फुल आई पे नहीं करनी है, इसलिए मैं मस्कारा अच्छे से लगाऊंगी। एंड जो मैंने लैशेस अप्लाई करनी है वो सिर्फ मैंने एंड एंड पे करनी है, जो कि मैं करके आ गई थी, मैंने करनी है आई गेस मैंने अप्लाई करनी है। और यहाँ पे मैंने लैश ग्लू लगा के रख दी थी कि वो थोड़ी ड्राई हो जाए, तब तक मैं ब्रोबोन हाईलाइट कर रही हूँ और इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ। एंड नाउ अब मैं लैशेस अप्लाई कर लूँगी अपने सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे। देख सकते हैं कि वो फील तो आती है लैशेस वाली, और बहुत अच्छी लुक आती है अगर आप सिर्फ एंड पे लगाओ, हैवी नहीं अगर आपको आई लैश चाहिए। यहाँ पे मैं लिप्स पे लिप लाइनर लगा रही हूँ गोश का पिंक कलर का, और उसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूँगी एक कोरियन टिंट, एंड उसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी एक ग्लोसी लिप ग्लोस, और ये लिप्स की होगी फाइनल लुक, क्योंकि लाइट पिंक सा कलर था, ठीक है। एंड देन मैंने ये कोरियन टिंट लिया, भी पिंक कलर का ही था, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर दिया। और ये लास्ट स्टेप है वो है लिप प्लम्पर, बेसिकली ये क्लियर लिप ग्लोस है, जो कि मुझे ग्लोसी लिप वाली लुक चाहिए थी, तो फिर मैंने ऑन टॉप इसको लगा लिया। और ये हील्स मैंने पहनी थी क्योंकि मेरे ड्रेस बहुत लंबा था, तो मुझे हील लंबी चाहिए थी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। मैंने अपने बालों का भी एंड से जो है वो कर्ल कर लिया था। आई होप कि आप लोग का ये मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। आप कॉमेंट कर सकते हैं कोई भी चीज़ के बारे में आपको पूछना है, तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।